दुईटी जाक रथ वर्तमान श्रीवत्स खंडशाल आगे दक्षिणाभिमुखी हो प्रस्तुत भाव में छिड़ा हेले बड़ भाई बलभद्र छिड़ा हेले कनक चांपल्य गौरी माँ सुभद्रे सुभद्रिका शुभ काम्पल्यवासिनी देवी अविद्ये जगदम्बे भक्त मनरे आनंदर उल्लास रचिला सकल भक्त ऊर्धवा है ये प्रभु निकटरे आत्मसमर्पणर भावधारा को नहीं हुए तो निजक समर्पित कर सारे प्रभु तुमरी पाखरे तुमरी यात्रा को दर्शन करिवार जो दिव्य चिंतन से ही दिव्य चिंतन भितर आम हुए तो भक्त मनर मानसिकता को नहीं आज नृत्यरत हो नर्तकी भाव में तुम पाखे हे नटनागर आमर कला को प्रदर्शन करुचु सकल कलार आधार तुम्हें तुम आगे कला प्रदर्शन कले मन को टे शांति मिल प्रशांति मिल तुम अपूर्व रथजात्रार यो विचित्र प्रत्यावर्तन लीला ये प्रत्यावर्तन लीलारे रथसंगी हेले अनेक लाभ मिल अनेक लाभ मिल एक खाली आमे कहूनु एक शास्त्र प्रतिपादन करे प्रभुंर ये दक्षिणाभिमुखी यात्रा को दर्शन कले अनेक पुण्य आउ पुणी ये प्रभु उद्देश्य ये सकल मान उद्धार करती तेणु सकल मान उद्धार करथिबा हेतु सकल समस्त जनतार मानस अभिवादन आज ग्रहण करिवार निमित्त ये प्रभु जतबेले आसुचंति सकल जनता आज समर्पित भावरे ये बड़दाण्डरे प्रभुंकर उद्देश्य रे भावना को परिप्रकाश करुचंति जथा समय पूर्वरु आज विधिवद्ध भावरे कौनसी प्रकार विलंब नाही ठीक भावरे आसिकरी पहुंची गलेनी बड़ भाई आउ भौणी किंतु पछरे किए ना गहली लगे कि कालिया आसुची आसुची जे टिकिए आग को बढ़ुची तो टिकिए पछक रहुची कहीं मन भितर भय अच्छी भ्रांति अच्छी से दिन जो रूपटा माँ देखकर आसी से रूपटा को देखीदेला बेलू टिकिए डरी जाऊँ ये दाम्पत्य जीवनर कली सतरे कौन ये पदारे पड़ज सतरे कौन ये पदारे पड़ज केतटा कथा अवश्य अच्छी ताद बहु आडम्बर हुए किंतु ताधर क्रियाटा जोबले परिसमाप्ति घटे से लघु क्रिया परिसमाप्ति घटे जमीक अजाजुद्धे ऋषिश्राधे प्रभाते मेघडम्बरु दाम्पत्य कलह चैव लघु आडम बहु आडम्बर लघु क्रिया तेणु ये जो दाम्पत्यर कलह छाड़ी जीवार जो पत्नी विरहर दुख से विरहिणी माँ जितेबले जा कथा देकर आसी तुम्हें शीघ्र भावग्राही शीघ्र फेरी आस बोली आउ फेरी आसवाक प्रभुत प्रतिश्रुति किंतु तथापि ये बड़ भक्त जनमानसर आतुरता ये बड़ भक्त गहली सकल भक्त जो आवेग रही आवेगर जितेबले ये प्रभु को समस्ते डाकी समस्त गोटे बार्ता मान उद्धारण तुम्हें मान उद्धारण कर हे कारण शरण मु तुम्भ पाद तले अनाथर नाथ नीलगिरीनाथ जगन्नाथ नाम नीलाचली आपण जगन्नाथ भाव में बसी नीलाचल अनाथर नाथ साजिंट तेणु सकल जनमानस निश्चित भाव में आपण को अपेक्षा करी खाली कौन से कथा कहूँ भक्त भक्त कहूँ युधिष्ठिर बोले हस्तिना को गल भोजन कल विदुर घरे पुरुषभा तले पांचाड़ी तीनला कोटि वस्त्र दे अवहेले मन बन पड़ी काले घोर दाबा नल उधरी धरल ब्रज बाड़े भणे उपइंद्र कविकूलचंद्र शरण मु तुम्भ पाद तले कहला कौन न कर प्रभु सेतबेले द्रौपदी डाकिला कोटि वस्त्र प्रदान करिच पुणी हस्तिना को जाइथिला दूतपणरे युधिष्ठिरंकर दूत होकर हस्तिना गल दौत्यवृत्ति गल दौत्यवृत्ति ठार आउ हीनवृत्ति किसी ना तथापि दौत्यवृत्ति करने निजे चलो भक्तर भगवान साजिकी आदिन खाइल कौटी ना दासीपुत्र विदुर घरे खाइल विदुर घरे शाग भजा खाई फेरल ये प्रकार कर रखी दुर्योधन पंडा को लगे एत प्रकार सुमिष्ट भोजन या हे तो से चोबीय चोष्य लेह पेय सकल प्रकार खाद्यर बंदोबस्त था कि बंदोबस्त को ग्रहण नक विदुर भक्ति बंधा पड़ल विदुर भक्ति भावरे भावरे बंधा पड़ी ता घरे कदमी चोपा खाइल पुणी तापर खाइल कौन ना शाग भजा खाई आसिल।